कोडरमा पुलिस ने बैंक मैनेजर बनकर मोबाइल के जरिए लोगों से ठगी करने वाले एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। दरअसल पिछले साल 31 दिसंबर को जयनगर थाना क्षेत्र में एक महिला के मोबाइल पर फर्जी बैंक मैनेजर के नाम से फोन आया था और एटीएम की सारी जानकारी और ओटीपी पूछकर महिला के बैंक खाते से 59,000 रुपए की निकासी कर ली गई थी। इस मामले का उद्भेदन करते हुए कोडरमा पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया और देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र से बरकत अंसारी नामक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से 4 मोबाइल फोन, 4 पासबुक, 2 चेकबुक, विभिन्न बैंकों के कई एटीएम और क्रेडिट कार्ड के अलावे वोटर कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। पकड़ा गया अपराधी मोबाइल फोन पर बैंक मैनेजर बन ग्राहकों को फोन किया करता था और उनसे एटीएम संबंधित गुप्त जानकारी हासिल कर ग्राहकों के बैंक अकाउंट से पैसों की ठगी किया करता था। कोडरमा एसपी तमिल वानन ने जानकारी देते हुए बताया, इस गिरोह में और भी कई लोग हैं। जिस गांव में यह अपराधी पकड़ा गया है उस गांव में साइबर क्राइम करने वाले कई अपराधी हैं, जो इस तरह का काम करते हुए लोगों के बैंक अकाउंट और गुप्त जानकारियां उपलब्ध कराकर लोगों के अकाउंट से पैसे की ठगी करते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए उनकी टीम लगातार छापेमारी कर रही है। न्यूजीलैंड के लिए कोडरमा से भोला की रिपोर्ट। दिनांक 31/12/2018 करीब 6 महीना पहले एक कांड हुआ था, साइबर क्राइम का कांड हुआ था। एक बरकत अंसारी करके अक्यूज्ड है, उनके द्वारा एक महिला है वहाँ का जयनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले, उनसे साइबर फ्रॉड के द्वारा उनके पैसा करीब 60,000 का ठगी किया गया था। उसमें हम लोग तुरंत अनुसंधान शुरू कर प्रारंभ करवाए थे। ये पिछले 3-4 महीना में इसमें लगातार काम करते करते एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा कड़ी हम लोग खोजते हुए फाइनली जो आदमी जो बरकत अंसारी है उनको हम लोग देवघर से कल गिरफ्तार किए हैं और उनके पास से काफ़ी सारा पासबुक, काफ़ी सारा एटीएम कार्ड, काफ़ी सारा क्रेडिट कार्ड और ये साइबर क्राइम करने का उपकरण, ये सब चीज़ हम लोग अपना रिकवरी किए हैं। उन्होंने अपने बयान में बताया कि कांड के बारे में शुक्रा के बयान में अपना एक्सेप्ट भी किए हैं और इसे कभी 2016 से उनके द्वारा पिछले 3-3.5 साल से ये जो है काम करते आ रहे हैं और वहाँ इनके द्वारा बताया जा रहा है कि पूरा गांव करीब 100-200 आदमी इसी में जो है सम्मिलित है और इनको गिरफ्तार करने में काफ़ी मुश्किल करना पड़ा हमको। लोकल स्थानीय थाना के द्वारा मदद मिला, पूरा लोग आके इनके सपोर्ट में पुलिस लोगों कैसे ऑपरेट करता था पूरा ठगी का जो कांड है। इन्होंने ऐसे ग्रुप बना के इनके द्वारा जो है सिम भी बहुत बार बदले हुए हैं, मोबाइल भी बहुत बार बदले हुए हैं, इनके पास काफ़ी सारा पैन कार्ड बना हुआ है, आधार कार्ड बना हुआ है, तो इसी में से इन्होंने डिफरेंट मोबाइल नंबर से बैंक मैनेजर बन के लोगों से बात करना, फिर उनके अकाउंट से अपना मोबी क्विक या नहीं तो फिर पे फोन पे ऐसे वॉलेट में ट्रांसफर करना, फिर उसी से सोना खरीदना, फिर सोना को अगला दिन बेच के उस पैसा को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना, ये चीज़ हम काम लोग करते आ रहे थे। इसके अलावा इनका मोबाइल नंबर गूगल में कस्टमर सर्विस में, फोन पे के कस्टमर सर्विस में इन्होंने अपना रजिस्टर करके रखा हुआ था, तो कोई भी आदमी फोन पे का कस्टमर सर्विस को ढूंढेगा, सर्च मारेगा गूगल इंजन सर्च में तो इनका नाम सबसे पहले आएगा, तो संपर्क कोई करेगा तो इनसे, उनसे भी इन्होंने ठगी करने के लिए अपना प्लान बना के रखे हुए हैं। तो काफी मतलब कि संवेदनशील मामला है, तो हम लोग कोडरमा पुलिस के द्वारा इसमें हम लोग उद्भेदन किए हैं। दी वेब्स वेजिटेरियन फैमिली रेस्टोरेंट की एक्सप्रेस डिलीवरीज अब घर बैठे ऑर्डर करें सिर्फ एक कॉल पर। फ्री होम डिलीवरी के लिए हमें कॉल करना ना भूलें 8092201666। न्यूजीलैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है